नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है गोलकोंडा हाई स्कूल क्रिकेट टीम की। 5-time चैंपियंस एंड 3-time रनर अप स्टिल 1994, लेकिन 15 साल से गोलकोंडा हाई स्कूल यानी GHS की क्रिकेट टीम पहला राउंड भी पार नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल सिर्फ क्रिकेट में ही स्ट्रगल नहीं कर रहा है बल्कि बाकी स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में भी अब काफी पीछे है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये 14-15 साल के बच्चों को देखकर मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मोहब्बतें पार्ट 2 चल रहा है, जूनियर मोहब्बतें रैदर मनीष। हर बच्चे का एक इंट्रो वीडियो है, इनमें से एक पंजाबी बच्चा तो इसके नाम के आगे बल्ले बल्ले लिख दिया है, वेरी क्रिएटिव। तो ये बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाकी सब चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। अब स्कूल को एक अच्छे क्रिकेट कोच की जरूरत है, तो प्रिंसिपल सर स्कूल के एक पुराने स्टूडेंट मिस्टर संपत को बुलाते हैं। संपत स्कूल में एंट्री मारते ही इंग्लिश टीचर पे लाइन मारते हैं। शाबाश बेटा। इंग्लिश टीचर मिस अंजलि डज नॉट माइंड इट एट ऑल बिकॉज़ द एक्ट ऑफ फ्लर्टिंग इज एक्सेप्टेबल इफ द गर्ल फाइंड्स यू क्यूट। इट्स हर चॉइस। संपत प्रिंसिपल को साफ पता देता है कि उन्होंने बहुत सालों से बैट तक पकड़ा नहीं, कोचिंग करना तो दूर की बात है, एंड सो इज रिलक्टेंट टू टेक द जॉब ऑफ द क्रिकेट कोच। अब उसी वक्त स्कूल के एक ट्रस्टी मिस्टर किरिट प्रिंसिपल से मिलने आते हैं और स्कूल ग्राउंड पर IIT कोचिंग सेंटर सेटअप करने की प्रपोजल रखते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, दिस इज क्यूट बट सॉरी ब्रो, स्कूल ग्राउंड इज सिंबॉलिक ऑफ अवर परंपरा प्रतिष्ठान अनुशासन। तो ये एग्रीमेंट होती है कि अगर उस साल का क्रिकेट टूर्नामेंट GHS की क्रिकेट टीम जीत लेती है तो ग्राउंड पर कोई कोचिंग सेंटर नहीं होगा, और GHS के क्रिकेट कोच मिस्टर संपत इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बंदा 5 मिनट पहले ये कह रहा था कि मैं कोच बनने के काबिल नहीं हूँ, अब अचानक ये कह रहा है कि जो क्रिकेट टीम 15 साल से एक टूर्नामेंट का पहला राउंड भी पार नहीं कर पा रही है, इस साल की टूर्नामेंट जीत जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, संपत पे यकीन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। I mean, हरी साडू ने 15 दिन के अंदर एक विनिंग टीम बनाई थी, तो यहाँ तो संपत के पास 3 महीने। तो बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, बच्चे मैदान पर भागते हैं, थोड़ा और भागते हैं, और 2 हफ्ते तक सिर्फ भागते हैं। अभी तक किसी ने बैट तक नहीं पकड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा वार्म अप सेशन है ये। और वैसे भी यार 3 महीने का टाइम है, 1 महीना वार्म अप ही कर लेते हैं, टाइम मिला तो थोड़ा बहुत इंग्लिश टीचर के साथ बाबू शोना भी खेल लेते हैं। बच्चे इनके कोचिंग मेथड से खुश नहीं है, और इनका जो कैप्टन है सिद्धांत, ये बंदा फुल ऑन हेरिटेज के सिद्धार्थ के वाइब्स देता है। सिद्धांत कोच को चैलेंज करता है एक टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स मैच के लिए। सो द मैच इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टूडेंट्स पहले बल्लेबाजी करते हैं, काफी धमाकेदार बैटिंग करते हैं, एटलीस्ट फुटेजेस देख के तो मुझे यही लगा, लेकिन यहाँ पर स्कोर है 6 overs 25 for 0 एंड द फाइनल स्कोर आफ्टर 20 overs इज 89 runs। जब इनके कोच संपत बैटिंग पर उतर आते हैं, सिद्धांत कैप्टन रसल से इंस्पायर होकर अपने बॉलर से कहता है, ब्रेक इज हेड मैन। लेकिन कोच बहुत अच्छी बैटिंग करता है, इंग्लिश टीचर भी इंप्रेस होती है, दोनों जगह स्कोर करता है 1 तीर 2 शिकार। सो जीतने के लिए टीचर्स की टीम को चाहिए 12 गेंदों में 5 runs। संपत एक बाउंड्री मारता है जिससे इक्वेशन हो जाता है 1 run from 11 balls। And then, probably the next 5 deliveries were unplayable because suddenly the match footage cuts down to this equation, 1 run from 6 balls. That means Sampat played 5 dot balls in a row. इसका मतलब ये भी है कि last over के लिए इन्हें non-striker end पे होना चाहिए. लेकिन Sampat is on strike. कैसे? किसी को पता नहीं चलेगा. अब क्योंकि students की team almost हार चुकी है, captain सिद्धांत frustrated होके field छोड़कर चले जाते हैं. So Gautam is the standing captain now, and for a change, a captain gives a very specific advice to bowler. Stick to the basics, ball wicket to wicket, and not something like ठीक से bowling कर। संपत जानबूझकर आउट हो जाते हैं, so that the students can feel that they achieved something as a team. So the match result is tie. Students और संपत के बीच रैपो थोड़ा improve हो जाती है। English teacher Miss Anjali तो इनपे पूरा लट्टू हो चुकी है, उसको सीधा घर बुलाती है डिनर करने के लिए। संपत गौतम को टीम का ऑफिशियल कैप्टन बना देता है। इंटर स्कूल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल आ जाता है। बच्चे काफी अपसेट है क्योंकि उनका पहला ही मैच डॉन बॉस्को स्कूल के साथ है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए संदीप महेश्वर संपत उनकी क्लास लेता है। वो सभी बच्चों से पूछता है कि वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। कोई राइटर बनना चाहता है, तो कोई आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन, एक्टर एंड सो ऑन। एक बच्चा कहता है कि वो इंजन ड्राइवर बनना चाहता है, और ये कहते ही सभी बच्चे हंसने लगते हैं कि वो डायरेक्टर साहब क्या खराबी है इंजन ड्राइवर बनने में। अब यहाँ पर इंजन ड्राइवर के जगह पर इफ ही हैड यूज्ड अ टर्म लाइक लोकोमोटिव इंजीनियर तो क्या रिएक्शन होता। संपत आस्क्स ऑल द टीम मेंबर्स टू ड्रीम द इम्पॉसिबल एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग इट। तो बच्चे मन लगाकर मेहनत करते हैं, दे प्रैक्टिस हार्ड, कोच इज क्लैपिंग हार्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट के पहले एक प्रैक्टिस मैच वो हार जाते हैं। तो स्कूल के ट्रस्टी किरिट बाई स्टार्ट्स हिज प्रिपरेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कोचिंग सेंटर ऑन द ग्राउंड, ये सोचकर कि GHS की टीम वैसे ही पहले मैच हार जाएगी। और ये सब वो बच्चों के सामने ही बोलता है, तो बच्चे और भी मोटिवेट होते हैं, वो और भी मेहनत करते हैं। दे डिसाइड दैट नो मैटर व्हाट दे हैव टू विन द टूर्नामेंट। मानना पड़ेगा किरिट भाई को, पहले संपत को प्रोवोक किया जिसकी वजह से संपत टेक्स अप द कोचिंग जॉब, और अब टूर्नामेंट के कुछ ही दिन पहले बच्चों को उकसाया। आई थिंक किरिट भाई इज द रियल कोच हियर।
एमएल जयसिम में इंटर स्कूल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो जाती है। जीएचएस का पहला मैच है डॉन बॉस्को हाई स्कूल के साथ, और इस मैच का खेल देखकर मैंने एक बात नोटिस की, प्लेयर चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो जैसे सनी सिंह या बांग्लादेश के असाद, या फिर स्कूल लेवल के प्लेयर्स हो जैसे जीएचएस की टीम, इन सबको लेग साइड पे ही खेलना ज्यादातर पसंद है। मोर देन 90% ऑफ जीएचएस रन्स कम फ्रॉम द लेग साइड। तो 20 ओवर के बाद जीएचएस का स्कोर है 137, द बॉल वेल एंड द फील्ड वेल, एंड जीएचएस विन द मैच बाय 7 रन्स, एंड दे कीप विनिंग मैचेस, दे आर ऑन अ रोल। और ये काफी अच्छी बात है यहाँ पर कि एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट को न्यूज चैनल पर काफी फुटेज मिल रहा है। तो संपत क्रिकेट टीम से ये कहता है कि जिस तरह से वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, उसी तरह से उन्हें पढ़ाई को भी एंजॉय करना चाहिए ताकि वो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। बच्चों की आंखें खुल जाती है और वो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। आई एम श्योर हमारे देसी पेरेंट्स जरूर जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है संपत के पास जिससे इनके बच्चों की वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पजल है, ये जीएचएस वर्सेस डॉन बॉस्को मैच का एक फुटेज है, और ये राइट में जीएचएस वर्सेस विद्यानिकेतन स्कूल का फुटेज है। नाउ द कॉर्पोरेट वांट्स यू टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्लिप्स। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अब दो अलग मैचेस है तो अलग फुटेजेस होने चाहिए ना। और सेकेंडली यहाँ पर ये रनर इतना ज्यादा स्टार्ट ले रहा है, ही इज लकी दैट द बॉलर इज नॉट रविचंद्रन अश्विन। सो द जीएचएस टीम इज इन ग्रेट फॉर्म। मिस्टर किरिट टेंशन में आ जाते हैं कि उनका कोचिंग मॉल का सपना सपना ही रह जाएगा। वो अंपायर को खरीदने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अंपायर रिजेक्ट्स द ब्राइब। साला अपने आप को हैरी ओबेरॉय समझता है। बट किरिट डज मैनेज टू फाइंड समथिंग अबाउट संपत्स पास्ट। तो टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाता है जीएचएस और एवरग्लेड्स के बीच। जीएचएस टीम इज ऑल पम्प्ड अप, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, द क्राउड इज एक्साइटेड, इंग्लिश टीचर भी गले में सीडी पहनकर आ जाती है। और मैच शुरू होने के कुछ मिनट पहले किरिट भाई जीएचएस टीम से मिलने आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि 1994 में संपत जीएचएस के कैप्टन थे, लेकिन फाइनल के बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था। तो बच्चे संपत से जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन संपत उनसे कहता है कि इन सब बातों पे उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, दे शुड फोकस ऑन द मैच। लेकिन अफसोस द जीएचएस प्लेयर्स लूज देयर फोकस, क्योंकि जूम टीवी देखते हैं ये लोग, सबको गॉसिप में इंटरेस्ट है। इतनी मेहनत करके फाइनल पहुंचे हैं, लेकिन सबके दिमाग में अब एक ही सवाल है, हमारे कोच को ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया था, इसके पीछे क्या राज है। तो जीएचएस बहुत ही खराब बॉलिंग करती है, दे ड्रॉप कैचेस, दे फील्ड टेरिबली, एंड देन टू मेक मैटर्स वर्स उनका टॉप ऑर्डर बैट्समैन सिद्धांत फील्डिंग करते वक्त इंजर हो जाते हैं, एंड एट दिस पॉइंट वी आर टोल्ड दैट ही कैनॉट कम आउट टू बैट लेटर। एवरग्लेड्स की टीम काफी अच्छी बैटिंग करती है, 20 ओवर में दे स्कोर 191 फॉर 1, लेकिन उनका ये कोच पता नहीं ऐसे क्यों क्लैप कर रहा है एज इफ ही इज डूइंग इट इन अ सार्केस्टिक वे। जीएचएस का मोरल ऑलरेडी काफी लो है। स्कूल के प्रिंसिपल टीम से मिलने आते हैं और बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से संपत वॉज द हीरो ऑफ द टीम और किस तरह उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जीएचएस के बच्चों को बुरा लगता है कि उन्होंने अपने ही कोच पे शक किया, लेकिन संपत उन्हें एक 70 मिनट वाला स्पीच देता है। अचानक सभी बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, सिद्धांत इवन डज अ पुष्पा एक्ट इवन बिफोर पुष्पा हैपेंड। तो नए जोश में जीएचएस बैटिंग पर उतर आते हैं एंड दे आर ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट। पहले ही ओवर में चौके और छक्कों की बरसात होती है। एवरग्लेड्स बॉलर बॉल्स अ गुड बाउंसर विच हिट्स माइकी ऑन द हेड। हेलमेट तो पहना है बट ही स्टार्ट्स ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट एंड प्रोबेबली इज इवन सफरिंग फ्रॉम कंकशन। लेकिन माइकी क्या करता है, एक तो वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए मना कर देता है एंड देन ही डिसाइड्स दैट ही विल प्ले रेस्ट ऑफ द इनिंग्स विदाउट हेलमेट। और संपत भी तालियां मार रहे हैं क्योंकि 15 साल के बच्चे की सेफ्टी से ज्यादा ट्रॉफी जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइकी कंटिन्यूज बैटिंग, ही टैप्स हिज बैट ऑन अ कार्पेट पिच और वो टेक्निकली काफी साउंड है, फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे अच्छा शॉट्स खेल लेते हैं। लेकिन उनका जो बैटिंग पार्टनर है रमेश, उनका बैटिंग टेक्निक काफी दिलचस्प है, ना फ्रंट फुट ना बैक फुट, ही इज जस्ट स्टक एट द क्रीज। तो धमाकेदार शुरुआत के साथ जीएचएस का स्कोर है 72 फॉर 0 इन 5 ओवर्स एंड देन दे लूज टू क्विक विकेट्स। कैप्टन गौतम क्रीज पर आते हैं, गौतम और रमेश की पार्टनरशिप हो रही है, और फिर आता है एक कॉन्ट्रोवर्शियल LBW डिसीजन जो एक्चुअल में इतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं था, फालतू का ड्रामा कर रहे थे लोग। तो होता ये है, रमेश इज गिवन आउट LBW। द क्राउड इज वेरी शॉक्ड इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, क्योंकि सबको पूरा यकीन है दैट द बॉल हिट द बैट फर्स्ट। रमेश भी अंपायर की तरफ यही इशारा करता है, लेकिन उस डिसमिसल का वीडियो अगर आप स्लो मोशन में प्ले करेंगे, आप देखेंगे कि वेरी क्लियरली द बॉल हिट द पैड्स फर्स्ट एंड द बैट इज नोवेयर इन द पिक्चर। 8 ओवर्स के बाद जीएचएस का स्कोर है 100 फॉर 3। कैप्टन गौतम और विकेट कीपर राजेंद्र की एक अच्छी पार्टनरशिप होती है एंड देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट इन द गेम। राजेंद्र लॉन्ग ऑफ की तरफ एक शॉट खेलकर 2 रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब दूसरा रन काफी रिस्की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द विकेट कीपर हैज कलेक्टेड द बॉल। राजेंद्र एंड गौतम आर राइट इन द मिडल ऑफ द पिच, माना कि द थ्रो इज ऑफ टारगेट, लेकिन विकेट कीपर के पास काफी टाइम है बॉल को स्टम्प्स की तरफ फेंकने के लिए। एट दिस पॉइंट ही इज इवन एमिंग एट द स्टम्प्स और फिर ऐसा कुछ होता है, ही जस्ट गिव्स अप, वो बैट्समैन को आउट करने का कोशिश भी नहीं करते। फिक्सिंग मावा, फिक्सिंग। मुझे वो 2009 की इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की याद आई
जहां ब्रेटली के पास विजय शेखावत को रनआउट करने का मौका था, बट ब्रेटली सिंपली थ्रोस द बॉल टू द कीपर। अब थोड़ी देर में राजिंदर आउट हो जाते हैं, विकेट्स कीप फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स एंड फाइनली जीएचएस लूज देयर 9th विकेट। यहां पर याद दिला दूं कि सिद्धांत इंजर्ड है, वो बैटिंग करने आए ही नहीं, तो मैच यहां पर खत्म हो गया है। लेकिन सिद्धांत हाथ पर पट्टी वट्टी बांधकर बैटिंग पर उतर आते हैं, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, जीएचएस को 5 गेंदों में 12 रन चाहिए। गौतम एक बाउंड्री मारता है एंड नेक्स्ट बॉल पे ही टेक्स अ सिंगल, सो द इक्वेशन इज 7 रन ऑफ 3 बॉल्स। अब सिद्धांत स्ट्राइक पर है एंड वंस अगेन ही इज हिट ऑन द इंजर्ड एरिया फ्रॉम अ शॉर्ट बॉल। द टीम फिजियो इज रेडी टू गो ऑन द ग्राउंड, लेकिन जस्ट लाइक माइकी, सिद्धांत भी कोई ट्रीटमेंट लेने से मना करता है और कोच भी फिजियो को रोकता है। क्या है यार, मतलब खून बहाने से क्या कुछ पेटीएम ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है क्या? बेचारा दिस गाय, ही हैज द मोस्ट यूजलेस जॉब इन द वर्ल्ड। अब इक्वेशन है 7 रन्स फ्रॉम 2 बॉल्स और फिर एक नो बॉल और एक रिवर्स स्वीप के बाद टीम को चाहिए एक बॉल में 2 रन एंड दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द क्रेजीएस्ट लास्ट बॉल फिनिशेस। अब बॉलर बॉल डालते ही कमेंटेटर कहता है इट्स अ नो बॉल। आई वांटेड टू बी 100% श्योर कि कमेंटेटर ने यही कहा है, तो आई चेक विद द सबटाइटल्स, वहां पर भी यही लिखा गया था दैट इट्स अ नो बॉल। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक रन भाग लिया तो काफी है, दे विन द मैच, क्योंकि इनका पहला रन कंप्लीट होते ही द टारगेट इज अचीव, द बॉल इज डेड, मैच इज ओवर। तो क्यों इतना मरमर कर 2 रन भाग रहे हैं? 2010 में एक इंडिया श्रीलंका मैच हुआ था जहां पे इंडिया नीडेड 1 रन टू विन, सेवाग 99 पे खेल रहे थे, उन्होंने लास्ट बॉल पे छक्का मारा लेकिन वो 6 काउंट नहीं किया गया था क्योंकि इट वाज अ नो बॉल। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स द मोमेंट अंपायर डिक्लेयर्ड इट एज अ नो बॉल द टारगेट वाज अचीव्ड, इंडिया वॉन द मैच एंड सेवाग वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन 99। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती का लास्ट बॉल ड्रामा करना है ना, सिद्धांत पुट्स अ फुल लेंथ डाइव टू कंप्लीट द सेकंड रन, जीएचएस की टीम जीत जाती है, बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, जूनियर मोहब्बतें शुरू भी हो जाती है एंड कोच संपत राइड्स इनटू द सनसेट विद द इंग्लिश टीचर। उन्हें आखिरी बार क्रिकेट खेलते हुए देखा गया था 2010 के टॉलीवुड ट्रॉफी में वेयर ही प्लेड फॉर द नाग किंग्स। ही कंट्रीब्यूटेड हिज बिट विद अ वैल्यूएबल इनिंग्स ऑफ 0 कॉट बाय रामचरण बॉल्ड बाय अजय। तो दोस्तों मूवी का नाम है गोलकोंडा हाई स्कूल, इट्स अ तेलुगु मूवी जिसे आप Zee5 पर देख सकते हैं एंड सच कहूं तो कंपेयर टू मेनी अदर मूवीज मेड ऑन क्रिकेट डिस्पाइट मेनी फ्लॉस I still enjoyed the movie, और उसका main reason, the biggest strength of this film is the casting of the kids. Each and every child actor has done a commendable job. Their performances are convincing, और आप इन बच्चों से easily connect कर पाते हैं. Special mention to the background score, which is really effective. Sumant also played his part well. The scene where Sumant inspires kids to dream of becoming a champion team is also well executed. While the acting from that vice principal was quite over the top. और मूवी की सबसे बड़ी वीकनेस है the character of English teacher Miss Anjali. I mean क्यों? Storyline में क्या point था इस character का? This half-baked romance adds nothing to the script at all. In fact, ये subplot movie के साथ वही करता है जो love story यानी केसरिया गाने के साथ किया। आशा करता हूँ कि गोलकोंडा हाई स्कूल की इस कहानी से आप भी इंस्पायर होंगे और ऐसे और कई इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लाइक शेयर कॉमेंट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोड्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।